यूएस, यूके, कनाडा, आपको जहां का भी वीजा चाहिए ना मिल जाएगा। आप ऑफिस में पेपर लेके तो आओ। हाँ भाई संजय। अच्छा वो तुम आ गए, मैं तो तुम्हें कॉल करने वाला था। क्या बात है भाई, हमारे 12 लाख देने का इरादा है कि नहीं है? 12 लाख छोड़िए बच्चे जी, पहले ये बताइए मेरा भाई गुरप्रीत कहाँ है? ये क्या बात हुई संजय, जब पूरे पैसे देने का टाइम आया तो पूछो गुरप्रीत कहाँ है? बच्चे जी कहाँ है मेरा भाई, एक हफ्ता पहले 8 मई को यहाँ अमृतसर से मुंबई के लिए निकला था, वो वहां से लंदन जा रहा था उसे। लोग यार सबके सब ऐसे मुंह लटका के बैठोगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा, बोल देता हूँ। हे प्रीति, सनी, हंसो यार, ऐसे क्या ऐसे बैठे हो? हाँ, और ओ संजय, तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा? हंसना यार, उठ, अच्छे से पढ़ना बेटा, और मम्मा को तंग नहीं करना, ठीक है? 1 साल बाद मैं तुम सबको लंदन ले जाऊंगा मेरे साथ। अभी मुस्कुराओ, नहीं मुस्कुराओ, थोड़ा 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 थोड़ा। सिमरन, अब तुझे भी गुदगुदी करनी पड़ेगी। हंसना, हंस। जहाज में बैठते ही फोन करना। नहीं नहीं, मतलब प्लेन में फोन बंद करना पड़ता है सिमरन, मैं मुंबई पहुंचते ही तुझे कॉल करूंगा, ठीक है? ध्यान रखना। संजय, अपनी भाभी का, प्रीति सन्नी का ख्याल रखना। चलो अभी जाओ या नहीं? चलता हूं। गुरप्रीत मुंबई से लंदन वाली फ्लाइट में बैठा तो था? बस जी, 8 मई को भैया ने मुंबई पहुंचकर भाभी को फोन किया था, कहा था रात की फ्लाइट है लंदन की। हाँ सिमरन, पहुंच गया मुंबई, बस एयरपोर्ट के बाहर निकले, गड्डी में बैठे। अरे नहीं नहीं नहीं, वो लंदन वाली फ्लाइट तो रात को है ना। हाँ अभी कहीं ले जा रहे हैं ठहराने। अच्छा जी, खाना खाया? हाँ खाया खाया। और पानी पिया? पानी भी पिया। अरे सिमरन, अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ना, मैं ना तुझे अब लंदन पहुँच के फोन करूंगा। अच्छा जी सुनिए, वो बैग में ना डब्बा रखा है, घर के परौंठे खा लेना। खा लूंगा। तो सही तो कहा था गुरप्रीत ने, हमारे एजेंट ने 8 तारीख की रात को गुरप्रीत को मुंबई से लंदन वाली फ्लाइट पे बैठा दिया था। बस जी, भैया ने कहा था लंदन पहुंच के भाभी को फोन करेंगे, 1 हफ्ता हो गया है उनका फोन ही नहीं आया है। फोन नहीं आया या फिर तुम्हारे मन में लालच आ गया है? संजय तुमने 8 लाख रुपए एडवांस दिए थे, इस भरोसे पर मैंने उसका वीजा करवाया है, अब तुम्हारे मन में लालच आ गया, ये ड्रामा करने लग गए हो। गुरप्रीत ने कहा था कि उसके लंदन पहुंचने के बाद मुझे मेरे 12 लाख रुपए मिल जाएंगे, और मैं सामने से मांगने वाला था, कि तुम लोग ये नया ड्रामा लेकर करके आ गए हो कि गुरप्रीत लंदन ही नहीं पहुंचा। बस जी, मेरे भैया के लंदन के दोस्त जसपाल जी से भी फोन करके पूछा। हेलो, जसपाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं संजय आहूजा, गुरप्रीत का छोटा भाई। अरे संजय कैसे हो, और वो गुरप्रीत कैसा है? जी वो तो लंदन के लिए निकले हैं, आपसे मिले क्या वो? अच्छा गुरप्रीत लंदन आया है, लेकिन मुझे नहीं मिला वो अभी तक, बल्कि मैं तो उससे पिछली बार मिला था मार्च में, वो भी गाँव में। तो भैया आपसे मिले नहीं? नहीं नहीं संजय, गुरप्रीत जी ऐसे नहीं है, उन्होंने मुझे कहा था कि लंदन पहुंचते ही ना सबसे पहले फोन करेंगे, उस हिसाब से तो उन्हें 9 तारीख को फोन करना चाहिए था, पर आज तो 12 तारीख हो गई है। बस जी, मैं 12 तारीख को आपके ऑफिस में आया, 13 को आया, 14 को भी आया, आपका ऑफिस ही बंद था। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम है संजय, मुझे मेरे पैसे चाहिए। गुरप्रीत तो तुमने कहा था कि उसके लंदन पहुंचने के बाद मुझे मेरे 12 लाख रुपए मिल जाएंगे, मैं कुछ दिन के लिए बिजी था, सामने से कॉल नहीं कर पाया, तो पैसा लाने के बजाय तुम ये नई कहानी लेकर के आ गए हो कि गुरप्रीत लंदन ही नहीं पहुंचा। मेरा भाई लंदन पहुंचता तो जरूर फोन करता। देखिए हम सब बहुत परेशान है बसी जी। क्या गुरप्रीत आहूजा वाकई लंदन नहीं पहुंचा जहां जाने के लिए वो निकला था, या वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया था पर अब वीजा एजेंट को बकाया रकम देने से बचने के लिए अपने भाई के साथ मिलकर कोई खेल खेल रहा था? गुरप्रीत का केस देश में फैली अवैध मानव तस्करी
और इमिग्रेशन गिरोह चलाने वालों का पिटारा खोलने वाला था। काम होने के बाद 12 लाख बचाने के चक्कर में तुम लोग नाटक तो नहीं कर रहे हो? सर, मेरे भैया को लंदन ले जाने के बहाने पता नहीं वो लोग कहाँ ले गए हैं, और आप लोग हमसे पैसे बचाने के बारे में पूछ रहे हैं। साहब, मेरे पति ने 12 लाख इकट्ठे किए थे लंदन जाने के लिए, जो हमने बहुत मेहनत से जोड़े थे। चलो, कम से कम 3-3.25 लाख तो आ जाएंगे। यही रह के कुछ कर लीजिए ना। अरे सिमरन, जाने देना मुझे। मैं ना बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, उस जसपाल की तरह लंदन जाकर, और ये सब मैं तुम लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। खेत में काम कर करके ना हाथों की लकीरें घिस जाती है, किस्मत नहीं बदलती, मुझे किस्मत बदलनी, और मैं हमारी किस्मत बदलूंगा। पापा, मैं आपको लंदन नहीं जाने दूंगी। अच्छा, यहाँ जितना है उसमें मैं और बच्चे खुश हैं गुरप्रीत जी। हाँ सिमरन, लेकिन अगर ज्यादा खुशी मिले तो कोई दिक्कत है तुम्हें? हाँ, अरे वहां जाकर ना हमारी किस्मत ऐसे ऐसे बदल जाएगी, देखना तुम लोग। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये लंदन जाने का क्या भूत सवार हो गया आप पर। किस्मत बदलने का भूत सवार है। अच्छा मुझे बता, ये जसपाल के पास क्या था यहाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं था। आज उसके थाट देख, रणबीरपुर में 2-2 कोठियां ले लिया उसने। पर भैया, आप दूसरों को क्यों देखते हैं? कितना भी कमा ले, रोटी तो वही खानी है। भैया, यहाँ मेहनत करेंगे तो कम से कम अपने देश में तो रहेंगे हम, वहाँ हमारा कौन है? संजय, मुझे बता, क्या अच्छी जिंदगी जीने का हमें हक नहीं है कोई? हाँ, वहाँ मेहनत करेंगे ना तो पाउंड में कमाएंगे। तुझे पता है 1 पाउंड यानी 90 रुपये, 90 रुपये। अरे वहाँ जितना मैं महीने में बचा पाऊंगा ना, उतना साल में यहाँ नहीं कमा पाऊंगा। जसपाल दिन का 30 पाउंड कमाता है, 2700 रुपये। पता है गुरप्रीत, इस बार ना मैं अमृतसर एक और फ्लैट के लिए आया हूँ। अगले हफ्ते डील हो गई ना तो वापस। एक और फ्लैट अमृतसर में? तू तो हमारे गांव का हीरो है, बहुत अच्छा। अच्छा मुझे पता कि वो अंग्रेजी बोल लेता है क्या तू वहाँ? ओ यारा, अंग्रेजों के बीच रहते हुए ना 6 साल हो गए, अब तो वेलकम मैडम, वे टू सर, वे टू मैडम, थैंक यू सब अपना मुंह से निकलने लगता है। और वैसे भी जब अंग्रेज लोग यहाँ आके हिंदी बोल सकते हैं तो अपन किसी से कम है क्या? नहीं, वो तो है। चल तू खाना खा। मुझे बता कि तू पहुँचा कैसे वहाँ? अचानक गायब हो गया था तू, फिर पता चला तू लंदन में, तो मतलब फिर पासपोर्ट बनाकर पहुँच गया क्या? इधर आ, मैंने ना एक एजेंट पकड़ा था, लुधियाना का था, बस घुसा दिया उसने अंदर। घुसा दिया? हाँ ऐसे ही। हाँ, लेकिन वो 6 साल पहले हुआ था, अब तो प्रॉपर वीजा लगता है। जसपाल मुझे बताना, तो कहाँ बना सकते हैं वीजा? यही अमृतसर में बनेगा, पता कर। लेकिन यारा जरा संभाल के, हक बहुत है इस लाइन में। लेकिन अगर सही एजेंट मिल गया ना एक बार, तो समझ ले तुझे काम भी मिल गया और तेरा सब सेटिंग भी हो गया। मतलब काम वाम लंदन में मिल जाएगा? काम काम ही काम है वहाँ यारा, पैसा भी बहुत है लेकिन लाइफ की वैल्यू है। सर, बहुत सारे एजेंट से पूछताछ करने के बाद गुरप्रीत भैया ने राहुल बसी से वीजा के लिए बात की। भाभी ने अपने जेवर बेचे, मैंने सेविंग तोड़ी और 2 लाख रुपए दिए। देखो भाई, वीजा पासपोर्ट हम सब बना देंगे, लेकिन बाकी के 18 लाख भी पहले ही देने होंगे, तभी आगे का प्रोसीजर होगा। अब देखिए बसी साहब, फिलहाल आप ये 2 लाख रख लीजिए और मुझे लंदन पहुँचा दीजिए। जैसे मैं लंदन पहुँचूंगा, ये मेरा भाई है संजय, ये आपको बाकी के 18 लाख पहुँचा देंगे। देखो भाई, ऐसे काम नहीं, तुम भी जानते हो और हमें भी पता, तुम पूरे मार्केट के चक्कर लगाने के बाद यहाँ आए। बाकी होकर हम 25-25 लाख में काम करते हैं, तुम्हारे कहने पर हम 20 लाख में तुम्हारा काम करवा रहे हैं। यार हमारा काम पक्का होता है, असली पासपोर्ट, असली वीजा, वर्क परमिट के साथ। नहीं, वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन इतने सारे पैसे एडवांस में कैसे दे देंगे यार? अब इतना बड़ा ऑफिस लिए बैठे हैं, इतने सालों से बैठे हैं, भाग थोड़ी जाएंगे भाई। हम भी कहाँ भाग जा रहे बस्सी साहब। नहीं मतलब लंदन तो मैं जा रहा हूँ ना, मेरे भाई, मेरे बीवी बच्चे सब यहीं पर है। मैं ज्यादा से ज्यादा और आपको फिलहाल अभी के लिए 6 लाख दे सकता हूँ, बाकी का खेत बेच के जो भी मतलब 12 लाख है वो आ जा सर। अरे बलजीत, 2 मिनट है, 2 मिनट देना, बाहर बैठ, तुझसे मिलता हूँ। अब भाई आप लोग भी कमाल करते, लंदन जाके करोड़ों कमाओगे यहाँ, लेकिन लाखों के लिए यहाँ झिकझिक कर रहे हो आप लोग। सर, हमने राहुल बस्सी को 8 लाख रुपए एडवांस दिए थे और जो खेत बेचकर 12 लाख रुपए मिले वो मेरे पास रखे। ऐसे पैसे बचाने के लिए हम झूठ नहीं बोलेंगे। साहब गुरप्रीत जी अपने बात के बहुत पक्के हैं,
उन्होंने कहा था लंदन पहुंचते ही फोन करेंगे, 9 तारीख को पहुंच जाना चाहिए था, पर आज तो 15 तारीख हो गई साहब। सर वो राहुल बस्सी भी मुझ पर इल्जाम लगा रहा था, ऐसे आप चेक कर रहे हैं हम पर। क्या गुरप्रीत ने बताया था कि मुंबई से लंदन के लिए रात की उसकी कौन सी फ्लाइट थी? नहीं साहब, ये नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि रात की फ्लाइट है। आ जाओ भाई। देखो रात में फ्लाइट है, तब तक तुम लोग नहा दो के अपना खाना वाना खा के आराम करो, सामान निकालो। कोई प्रोजेक्ट क्यों है? तो समर को बता रहा था कि पैसे वैसे नहीं देने पड़ेंगे। और पार्टी मरवाए क्या? धीरे बोल। तो मुझे भी बताना। देख गुरप्रीत, लंदन में इन लोगों का एजेंट एयरपोर्ट के बाहर हमारा वेट कर रहा होगा, ठीक? उसके पास हमारे फोटो वीजा वगैरह की कॉपी होगी, ठीक? हाँ तो क्या, एयरपोर्ट से लगेज उठाएंगे, एग्जिट दूसरे गेट से मारेंगे। वहाँ मेरा एक दोस्त है लंदन में, उसने मुझे बोला ये सब करने के। फिर क्या, एजेंट की नज़र से बच गए तो फिर क्या, जो बैलेंस पैसे देने हैं नहीं देने पड़ेगा। वैसे थोड़े कितने बैलेंस? 12 लाख है यार। मेरे 18 लाख है। 18 लाख? हाँ 18 लाख है। ना मेरे पास पैसे देने के लिए, ना मेरा बाप कुछ देगा मुझे। हाँ लेकिन अगर एजेंट से मिलेंगे नहीं तो रहेंगे कहाँ और काम कैसे मिलेगा? अरे पाजी कहीं छुप जाएंगे ना, और बहुत जगह है हमारे लिए वहाँ। और एक बात समझ लो, वहाँ पहुँच गए तो कोई भी देश किसी को ऐसे बाहर नहीं निकालता। भाई छुप गए तो पैसे बचेंगे और आगे मुझे तो नौकरी मिल ही जाएगी हम लोगों को। ऐसे कर सकते हैं क्या? मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ, अब तू सोच ले। सर राहुल बस्सी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देखा साहब, अपना फोन ही बंद कर दिया उसने। आज सुबह मैं उसका ऑफिस गया था, उसके साथ झगड़ा भी हुआ था मेरा। साहब मेरे पति कहाँ हैं साहब? मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी। सर सर ये राहुल बस्सी का ऑफिस, पर ये तो बंद है। सुबह यही बात हुई थी सर हमारी, अध्यान मुझको ऑफिस बंद करके चला गया। कहाँ रहता है अमृतसर में, एड्रेस है इसका? एड्रेस तो नहीं है सर, अक्सर यही मुलाकात होती थी हमारी। एक मोबाइल नंबर है, वो आपको दे ही दिया था। तो एक काम कर, कल एक चक्कर मारे यहाँ, फिर अगर राहुल बस्सी मिले तो तुरंत फोन कर। सर मेरे भाई गुरप्रीत का पता नहीं चल रहा है, वो लंदन नहीं गया तो कहाँ गया होगा? ये गुरप्रीत लंदन के लिए निकला है, उसको ट्रेस करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तुम लोगों को उसकी फ्लाइट के बारे में भी कुछ नहीं पता, आने दो ये राहुल बस्सी को, सब वही बताएगा। ड्रामा है, बंदा इलीगली गया होगा और यहाँ ये लोग नाटक कर रहे हैं। सर पैसे बचा रहा है और कुछ नहीं है। सर ये जगन पकड़ा गया अंबाला में, उसके ट्रांसफर के पेपर्स है। मम्मी पापा का फोन अब भी नहीं लग रहा क्या? उनका फोन तो मुंबई जाने के बाद से ही बंद है, ना जाने क्या सूझी लंदन जाने की। पापा को तो जाना ही नहीं चाहिए था। मम्मी चाचू क्या बोल रहे हैं? तेरे चाचू तो वीजा एजेंट के पीछे पड़े हुए हैं। पांच दिन हो गए हैं भाभी, ना तो राहुल बस्सी फोन ऑन कर रहा है, ना ही ऑफिस खोल रहा है। अब तो डर लग रहा है संजय, गुरप्रीत जी ठीक तो है ना? अभी मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 बार जसपाल जी को भी फोन किया था तो उन्होंने भी फोन उठाना बंद कर दिया। संजय गुरप्रीत जी को लंदन में कुछ हो तो नहीं गया? क्या गुरप्रीत आहूजा अपने प्लान के मुताबिक लंदन पहुंचकर कहीं छिपकर बैठा था? क्या अपने छोटे भाई संजय और पत्नी सिमरन को फोन ना करने के पीछे भी गुरप्रीत की कोई चाल थी? क्या छोटा भाई और पत्नी गुरप्रीत को लेकर वाकई फिक्रमंद थे या फिर ये कोई दिखावा था? अब संजय को एक कॉल आने वाला था, मगर ये कॉल लंदन से गुरप्रीत का नहीं बल्कि सबको चौंकाने वाला कॉल था। हेलो, हमें मालूम है कि तू पुलिस के पास गया था, तुम लोगों का सारा प्लान जानता हूँ। बस जी मेरा भाई कहाँ पर है? तेरे भाई ने ना कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा दी है,
हमारे एजेंट से बच करके निकला है वो। बस जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरा भाई कहाँ है। तू फिक्र मत कर, हम ढूंढ निकालेंगे उसे और वहीं लंदन में पकड़वा देंगे। लंदन गवर्नमेंट से कहकर उसको ऐसा फंसवाएंगे कभी निकल नहीं पाएगा वहां से। क्यों, क्या किया मेरे भाई ने? डबल क्रॉस किया है उसने हमें। अब तू देख, अगर तू अपने भाई की सलामती चाहता है और तू चाहता है कि हम लंदन गवर्नमेंट को तेरे भाई के बारे में ना बताएं और वो सही सलामत वापस आ जाए, तो संजय 12 लाख रुपए मेरे चुपचाप मुझे मिल जाने चाहिए। मेरे भाई से बात करवाइए पहले। सुना नहीं तूने? तेरा भाई हमें चकमा देकर के लंदन में कहीं छुपा बैठा है, लेकिन वहां हमारे बहुत आदमी ढूंढ निकालेंगे उसे और फिर उसके साथ क्या सुलूक करेंगे ये तेरे ऊपर है। 12 लाख दे देगा तो हम पता भी दे देंगे उसे। मेरे भाई से आप बात करवाइए, मुझे बात करनी है मेरे भाई से, आप बात करवाइए। हेलो हेलो हेलो, साहब उन लोगों ने मेरे भाई को बंदी बनाकर रखा हुआ है, बात तक नहीं करने दे रहे। बोले बोल रहे कि पहले 12 लाख रुपए लेकर आओ। और कुछ बताया उसने कहाँ रखा है गुरप्रीत को? ये राहुल बसी ने फोन कहाँ से किया था? नहीं पता साहब कहाँ से फोन किया था, मेरे भाई को कहाँ पर रखा है कुछ नहीं पता साहब। उनका फोन आया था मेरे पास, वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा भाई लंदन में है और उनके एजेंट से बच निकला है। साहब राहुल बसी बोल रहे हैं कि वो मेरे भाई को पकड़वा देगा, प्लीज साहब मदद करो, मेरे भाई को बचा लो साहब। सर संजय को लैंडलाइन से कॉल आया, पीसीओ का नंबर है। लोकेशन क्या है? दिल्ली चांदनी चौक एरिया। तो राहुल बसी वापस नहीं आया, उसका ऑफिस अभी भी बंद है। संजय ओझा बोल रहा था कि उसका भाई किडनैप हुआ है। एक काम करो, सबसे पहले इसका फोन टैपिंग करो। सर किडनैप विडनैप सब ड्रामा है, बात यह कि गुरप्रीत लंदन जाने के लिए निकला था, मुझे लग रहा है बंदा इलीगली वहां घुस गया और अब एजेंट के पैसे नहीं देना चाहता इसलिए सारा रायता फैला रहे। सर पहले मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन अब यह सब कुछ एक इलीगल रैकेट जैसा लग रहा है। सचिन अर्जेंट में राहुल बसी के ऑफिस के लिए सर्च वारंट निकलो, देखो अंदर क्या है। हर एक ड्रॉज खोलकर चेक करो, सब बाहर निकालो। सर यस सर। अंदर कुछ भी नहीं लगता है, बसी सब कुछ अपने साथ ले गया। बिल्डिंग का सेक्रेटरी बोल रहा था ऑफिस बसी के नाम पर ही। सर ये केस जितना जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर है। वो ना 6 साल से काम करने वाला बंदा ये राहुल बसी, संजय की एक कंप्लेंट पे सब कुछ साफ करके तो नहीं भागता। मतलब ये बंदा जो भी कर रहा था शायद इसकी कंप्लेंट ही पहली बार हुई। सर राहुल बसी का सिम कार्ड उसके ऑफिस एड्रेस का ही है। CDR में जो नंबर्स है उन्हें कॉल किया? यस सर, राहुल बसी के पिछले 2 महीने के कॉल रिकॉर्ड के ज्यादातर नंबर स्विच ऑफ है। मैंने सभी नंबर की डिटेल्स मंगवाई हैं जिन्होंने भी राहुल बसी को कॉल किया है, किसी का तो एड्रेस मिलेगा तो उनसे फेस टू फेस बैठ की बात हो जाएगी। और ये गुरप्रीत ओझा के फोन की लास्ट लोकेशन मुंबई दिखा रहा है, फोन 8 तारीख की रात को 11 बजे स्विच ऑफ हुआ। राहुल बसी यूके यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया सब जगह के वीजा लगवा था, इन कंट्रीज की एम्बेसी वीजा ऑफिस सब जगह बात करो जहां पर इस तरह की एप्लीकेशन दी जाती है। नियरेस्ट दिल्ली होगा। जी सर, हमें इस बसी की तलाश भी शुरू कर देनी चाहिए। और सर जहां गुरप्रीत ने फ्लाइट लेने से पहले सारा दिन बिताया था वो तो जगह का पता लगाने के लिए मुंबई पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। सर ये जो बसी का कॉल आया था संजय को 12 लाख रुपए के लिए, ये पक्का एजेंट लोगों का खेल है। राहुल बसी के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी लोग हैं सबसे बात करो, किसी से कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा। सर बसी को गुरप्रीत के बदले 12 लाख रुपए चाहिए ना तो दे दो उसे, मैं घर गिरवी रखे ना गुरप्रीत जी के लंदन के वापसी का टिकट का पैसा देती हूँ। अभी भैया के सामने पैसों की कोई कीमत नहीं, पर राहुल बसी दोबारा फोन तो करे, ऑफिस खोल नहीं रहा है, उसका फोन भी बंद आ रहा है और पुलिस बता रही है जिस नंबर से पहले फोन किया था वो दिल्ली के किसी पीसीओ का नंबर है। संजय भैया सोच रहा हूँ मैं। संजय भैया आपने बलजीत संधु का नाम सुना है? बलजीत संधु अपने नानक कलन गांव का रहने वाला है। एक बलजीत संधु आए तो था राहुल बसी से मिलने के लिए। आजा सर। अरे बलजीत 2 मिनट ना, बाहर बैठ तुझसे मिलता हूँ। ये भैया क्या हुआ, बात क्या है? वो एक दोस्त ने खबर दी है कि बलजीत लंदन जा रहा था लेकिन वो आज ही मुंबई से वापस आया है। फिर तो बलजीत जी को गुरप्रीत के बारे में पता ही होगा ना संजय?
मैं पता करता हूँ भाभी, चल जल्दी बता कहाँ है। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लवलीन कौर बोल रही हूँ, रणबीरपुर पंजाब पुलिस से। जी मैडम बोलिए। आप कौन बोल रहे हैं? गुलाम रसूल नाम है मेरा मैडम। आप राहुल बसी को जानते हैं? राहुल बसी अमृतसर वाला, उसके कॉल रिकॉर्ड में आपसे ज्यादातर बात होती दिखी है। राहुल बसी? जी बसी वीजा सर्विस नाम की फर्म है इसकी। अच्छा बसी जी, हाँ हाँ मैडम जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। मैडम मेरा मुंबई में इतरवाड़ा में ट्रैवल एजेंसी, तो ये राहुल बसी जो है हमारे यहाँ से टिकटिंग करवाते। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं मैडम? ये राहुल बसी इस वक्त है कहाँ पर? अमृतसर में शायद ऑफिस है उनका। यहाँ नहीं है, फरार है वो। फरार? लेकिन क्यों मैडम? बसी आपसे टिकटिंग कराता था, किसी गुरप्रीत अहुजा नाम की टिकट कराई थी उसने मुंबई से लंदन 9 तारीख अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट। वो तो चेक करना पड़ेगा, मेरे यहाँ बहुत सारे टिकट बनते हैं मैडम। चेक करके आप मुझे इसी नंबर पर कॉल बैक कीजिए। बस 5 मिनट में फोन करता हूँ वापस। गुलाम रसूल, गुलाम ट्रैवल एजेंसी, इतरपाड़ा, यही एड्रेस है ना मंदिर? हाँ गोविंद यही एड्रेस है। राहुल बसी के कॉल रिकॉर्ड्स में बस यही एक नंबर एक्टिव मिला है, पूछताछ तो करो इससे। ठीक है मंदिर, अभी उठवाता हूँ उसको, और वो गुरप्रीत आहूजा का फोटो भेज दो जरा। ठीक है भेजता हूँ। ये बलजीत का घर है चाचा, बलजीत का घर है ये। हाँ पुत्र। कहाँ है बलजीत? सो रहा है अंदर। आप बुला देंगे, मुझे बात करनी है उससे। क्या बात करनी? बहुत जरूरी बात है चाचा, बुला देंगे आपको। गुरप्रीत आहूजा के नाम से लंदन की टिकट तो बुक हुई है, 9th में अर्ली मॉर्निंग 1:30 बजे की फ्लाइट, बीच में एक दुबई का हॉल्ट भी है, तो इस हिसाब से गुरप्रीत को सुबह सुबह 9th मई को 10:30 बजे लंदन में होना चाहिए था। टिकट तो है, पर लगता नहीं है गुरप्रीत ने इस टिकट से लंदन के लिए ट्रैवल किया होगा। सर मैंने एयरलाइन को ये टिकट मेल किया है, एक दिन का टाइम मांगा है, बताएंगे कि इस टिकट पे ट्रैवल हुआ था या नहीं। हालांकि अभी तक हमारे हाथ कुछ लगा नहीं है, पर साफ लग रहा है कोई बड़ा झूठ है। झूठ तो है सर, 6 साल से काम करने वाला है राहुल बसी, किस किस को कहां कहां भेजा होगा इसने, इसके ऑफिस में एक रिकॉर्ड नहीं मिला सर, सब साफ कर दिया, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं। बलजीत, कोई संजय आया है, कह रहा है गुरप्रीत का भाई है। तू तो लंदन के लिए निकला था ना? अरे हालत देख इसकी पुत्र, मार खा के आया है, पता नहीं कौन से लंदन गया था। बलजीत तू मेरे भाई गुरप्रीत से मिला था ना, कहाँ है वो? मैं नहीं जानता, लंदन चला गया होगा। तू क्यों वापस आ गया, पर कहाँ से वापस आया है? ये क्या बताएगा पुत्र, इसको छुड़ाने वास्ते मुझे गड्डी बेचकर 3 लाख जुटाने पड़े। अचित मुझे बता दे मेरा भाई गुरप्रीत कहाँ है। अमृतसर का टिकट समझा, बोरीवली स्टेशन यहाँ से 15 मिनट दूर है, सामने सिग्नल दिख रहा है, वहाँ से रिक्शा मिलेगा, तो चुपचाप ट्रेन पकड़ और निकल यहाँ से समझा। और सुन बे, आप सुन, अले वहाँ जाके किसी के सामने मुंह खोला ना, एक बात याद रखना, नानक कॉलेज में भी ना हमारे बहुत लड़के लोग हैं, तुझे और तेरी फैमिली को ना उधर ही काट डालेंगे साले, समझा?
गुरप्रीत तेरे साथ था ना बलजीत, बोलना। था वो, लेकिन मुझे नहीं पता अब कहाँ है वो। उन लोगों ने गुरप्रीत को लंदन भेज दिया होगा, उसके बारे में अब मैं कुछ नहीं जानता। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद करके बहुत मारा। अजीत कहाँ हुआ ये सब, मुंबई में कहाँ? पता नहीं संजय, वो लोग हमें एयरपोर्ट से कहीं ले गए थे, कहाँ ये नहीं पता। अजीत तुझे इतना मारा क्यों और वापस क्यों भेजा, लंदन क्यों नहीं जाने दिया? मैं भी इससे पूछ रहा हूँ लेकिन कुछ बता ही नहीं रहा है। बस उस दिन इसका फोन आया, मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। देख बलजीत, जब तक तू सच नहीं बताएगा कि तू तू कहाँ है और तुझे पैसे किस लिए चाहिए, तब तक मैं पैसे नहीं दूंगा। पापा जी मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा ही करो पापा जी, लोग मुझे मार देंगे पापा जी। पता नहीं कौन था वो राहुल बसी, इसे छुड़ाने वास्ते मुझे अमृतसर जाके उसे पैसे देने पड़े। मेरा पुत्र बलजीत कहाँ है वो? पैसे पैसे तो मैं ले आया हूँ भाई साहब, ये लीजिए, ये लीजिए सारे पैसे लाया हूँ। बलजीत कहाँ है? आज पैसे दे दिए ना, कल से छोड़ दें। ये क्या बात हुई, बलजीत कहाँ है? अरे ताऊजी आप आराम से घर पे जाओ, आज पैसे दे दिए ना, कल छोड़ देंगे उसे और परसों को आपके दरवाजे पर हो। भाई साहब भाई मैं बलजीत, तू जानता है ना मेरा भाई गुरप्रीत कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता संजय, ना ही फिर से इन सब में पढ़ना चाहता हूँ। गधा साला, पता नहीं किसके चक्कर में आके लंदन जाने निकला था। सर मैंने दिल्ली और मुंबई दोनों जगह की वीजा ऑफिस में गुरप्रीत आहूजा का पता किया। वीजा तो छोड़िए सर, उनका कहना है कि उनके पास इस नाम के कोई एप्लीकेशन आई तक नहीं सर। एप्लीकेशन ही नहीं दी गई, मतलब 100% फेक वीजा दिया गया है। सिर्फ वीजा ही नहीं सर, मैंने पासपोर्ट ऑफिस भी कॉन्टैक्ट किया, उनका भी यही कहना है सर कि गुरप्रीत आहूजा के उसके एड्रेस पर अप्रैल के महीने में कोई तत्काल पासपोर्ट बना ही नहीं सर। पता नहीं सर ये गुरप्रीत पहला है या और भी कई कांड किए इन लोगों ने। शायद मुंबई क्राइम ब्रांच को गुलाम रसूल से कुछ मिला हो, राहुल बसी और उससे कनेक्टेड रैकेट से कोई ना कोई क्लू मिला होगा। रैकेट? अब मैं टिकट बुकिंग का काम करता हूँ, ट्रैवल एजेंसी है मेरा, अब चाहे तो बुक चेक कर लीजिए साहब। देख ये गुरप्रीत आहूजा साहब, पैसेंजर से थोड़ी मिलता हूँ मैं साहब, इसको तो मैंने कभी सामने से देखा भी नहीं साहब। मेरे को पासपोर्ट का डिटेल दिया गया था, उसके ऊपर से मैंने टिकट बुक कर दिया बस साहब। पंजाब पुलिस से भी फोन आया था, मैंने उनको भी टिकट का कॉपी दिया है। ऐसे ही फटाफट ये भी बता दे गुलाम, अभी कहाँ है गुरप्रीत? मेरे को नहीं पता साहब, मैं कैसे बता सकता हूँ सर, मैं सिर्फ टिकट बुक करता हूँ, वो भी ऑनलाइन। सर एक रेड अलर्ट इशू कराते हैं राहुल बसी के नाम का। सर एयरलाइन से मेल आया है, 9 मई को अर्ली मॉर्निंग 1:30 बजे मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट में किसी गुरप्रीत आहूजा नाम के पैसेंजर ने ट्रैवल नहीं किया। हाँ टिकट जरूर बुक हुई थी लेकिन उसके बाद कैंसिल करवा दी गई। कैंसिल नहीं भी होती फिर भी गुरप्रीत जा तो नहीं सकता था क्योंकि उसका पासपोर्ट ही फर्जी था। अच्छा ठीक है गुलाम, गुरप्रीत का टिकट कैंसिल हो गया था और उसका पासपोर्ट भी फर्जी था। टिकट मेरे यहाँ से कैंसिल नहीं हुआ सर, वो बस्सी ने करवाया होगा उधर से, उसके पास भी वो पीएनआर और बाकी सब डिटेल्स देता है। पासपोर्ट फर्जी, वीजा फर्जी, टिकट बुक होने के बाद कैंसिल हो जाती है। चल कह रहा है गुलाम रसूल, कहाँ गया गुरप्रीत? सर मुझे सच में नहीं पता, मेरा टिकट बुकिंग का धंधा है सर, मेरे को बुकिंग पे कमीशन मिलता है और ये टिकट पे भी कमीशन मिला, लेकिन सर उसके बाद में टिकट कौन कैंसिल करवाता है, पासपोर्ट असली है फर्जी है मुझे कैसे पता चलेगा सर? ये बात अब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि गुरप्रीत आहूजा कभी लंदन जा ही नहीं सका क्योंकि उसे जो वीजा और पासपोर्ट लाखों रुपए लेकर दिया गया था वो फर्जी थे। एक और यात्री बलजीत जो गुरप्रीत के साथ था, अब वो अपने घर वापस तो लौट कर आ गया था लेकिन उसे बुरी तरह से पीटा गया था और वो सदमे में था। गुरप्रीत आहूजा कहाँ था, राहुल बस्सी कहाँ छुपा हुआ था और क्या इस पूरे गिरोह का सच कभी सबके सामने आने वाला था? सर बलजीत बस इतना ही बोल रहा है कि वो मुंबई गुरप्रीत भैया के साथ गया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रहा है वो। अभी कहाँ है बलजीत? यही पास में नानक कला गाँव में। सचिन तुरंत लेके आओ बलजीत। सर
बलजीत ने कुछ बताया कि अभी कहाँ रखा है उन्होंने गुरप्रीत को? नहीं साहब। साहब बलजीत के पिताजी ने राहुल बस्सी को 5 लाख दे के बलजीत को छुड़ा लिया। मैं 12 लाख देने को तैयार हूँ साहब, मेरे पति को छुड़ा लीजिए। सिमरन जी अब धीरज रखिए, हम आपके पति को जरूर वापस ले आएंगे, हमें बस एक बार इस बलजीत से बात करने दीजिए। मुझे तो ये कुछ नहीं बता रहा है, आपको कुछ बताया इसने? परमजीत जी गलती तो आपने भी की है, जब बलजीत ने आपको कॉल किया था तो राहुल बस्सी के पास जाने के बजाय आपको हमारे पास आना चाहिए था। फिर तो वो लोग पक्का मुझे मार देते। ये सब तो जैसे गधे की वजह से हुआ है, हमेशा लंदन जाना है करता था, इतने पैसों में यहीं पर कुछ करके दिखा था। कौन थे वो लोग बलजीत? पता नहीं सर, पर वो लोग मुझे मार देते और समर को भी मार देते अगर उसके पापा जी ने उसके वास्ते पैसे दिए होते। ये समर कौन है? ये भी तुम्हारे साथ ही निकला था? भाई साहब मुझे क्यों मार के रखा है? मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? छोड़ दो ना मुझे। चिल्ला, जितना दम है दम लगा के चिल्ला। तो अगर मर भी गया ना तो हमारी मर्जी के बगैर तेरी रूह भी बाहर नहीं जा सकती। चिल्ला और चिल्ला। 10 लाख फोन करेगा ना अपने बाप को? फोन करेगा? देख बलजीत मुंह खोल दे, गुरप्रीत अभी तक वापस आया नहीं है और हम समर वीक तक भी पहुंच गए, तो समर से ही पूछ लो। ये लीजिए ये नंबर है, 26 मई की रात को 9:30 बजे बलजीत ने इसी नंबर से कॉल करके राहुल बसी को पैसे देने को कहा था। ये नंबर 5598? जी हाँ यही नंबर है। 4 डिजिट का नंबर थोड़ी होता है परमजीत जी? मुझे क्या पता, मैंने नंबर पर ध्यान नहीं दिया, आप देख लो इसी नंबर से कॉल आया था। जी मैंने गुरप्रीत और बलजीत को 8 तारीख को आखिरी बार देखा था। मुंबई में कहाँ ले गए थे वो लोग? एयरपोर्ट के बाहर मिला था वो आदमी, हम तीनों को गाड़ी में बिठाया फिर कहाँ ले गया पता नहीं। था कौन वो? नाम नहीं बताया और वो जानता था हमें, हमारे नाम का बोर्ड लेकर खड़ा था एयरपोर्ट के बाहर। आप लोगों की फ्लाइट रात में उड़ेगी, तब तक रहने और खाने का इंतजाम कर दिया है। और आ यारो, लंदन जाके भूल मत जाना। नाम नहीं पता उसका, लेकिन उसने वो दूसरे वाले से ज्यादा पीटा था मुझे। मुझे उन दोनों में से किसी का नाम नहीं पता, लेकिन जो दूसरा वाला था उसने मुझे बहुत मारा था। शुरू में वो बहुत प्यार से बात कर रहा था सर, अंदर आओ खाना खाओ आराम करो। अजीत एयरपोर्ट से वो तुम्हें लेकर कहाँ गया? पता नहीं चला सर, लेकिन इतना पता था कि एक बड़ा चौड़ा सा रोड था और हाईवे था, मुझे तो जगह का पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ ले जा रहे थे। मैं समर गुरप्रीत हम लोग पहली बार मुंबई गए थे। आ जाओ भैया। बलजीत ये कोठी कहाँ है? चाहो तुम तीनों को लेकर गए? नहीं पता सर, लेकिन
जहाँ वो लेकर गए थे वो वहाँ पहुँचने में गाड़ी से करीबन 2 से 2.5 घंटे लगे थे। समर तुम्हारे लिए वो नई जगह थी, मैं समझ, लेकिन दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। तुम मुंबई में थे या तुम्हें मुंबई से बाहर कहीं लेके गए थे? पता नहीं, वो जगह एयरपोर्ट से काफ़ी दूर थी, बहुत टाइम लगा था वहाँ पहुँचने में। हाँ, लेकिन कुछ तो देखा होगा तुमने। एक बोर्ड था उस पर कुछ सुपारी ऐसा कुछ सुपारी जैसा लिखा हुआ था। जहाँ ले गए थे वहाँ आगे के कमरे में 3-4 कंप्यूटर रखी थी, वो हमें अंदर के कमरे में ले गए। आओ अंदर, आओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो चलो, सामान रख के आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाओ, आराम करो, हैं? तब तक मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ, ठीक? कोई समस्या? नहीं। चलो। हमने वहाँ सामान रखा, फिर गुरप्रीत ने मुझे बुलाया। फिर इसके बाद क्या हुआ? मैं प्लान बनाकर गया था कि लंदन में उनको चकमा देके गायब हो जाऊंगा। मैंने गुरप्रीत को भी यही बताया, पर मुझे क्या पता था कि ये लोग हमको ही ठग रहे थे। अजीत भाई इधर आना, कुछ पेपर पर साइन कराना है। जी। समर तुम भी आ जाओ, तुम्हारे भी कुछ पेपर्स पे साइन चाहिए। साइन करने के बहाने कमरे में ले गए, फिर मुझे उस कमरे में बंद कर दिया। कोई है? छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। कोई है? बचाओ। ए भाई क्यों बांध रखा है? ए बचाओ मुझे। अरे मुझे बांध के क्यों रखा है? खोलो मुझे, कोई है? मुझे खोलो, कोई है? अरे भाई साहब बचाओ मुझे, मुझे घर जाना है, छोड़ दो मुझे। अरे कोई है? अरे क्या बिगाड़ा मेरे आपका, छोड़ दो मुझे। अरे कोई है? मुझे बस उनकी आवाज सुनाई थी, पहले बलजीत की और फिर गुरप्रीत की, फिर उन लोगों ने मुझसे मेरे पापा को फोन करवाया। मेरे कहने पर मेरे पापा ने चुपचाप राहुल बस्सी को 10 लाख रुपए दे दिए, और फिर उन लोगों ने मुझे अमृतसर का टिकट देकर एक जगह पर छोड़ दिया। वो जो 2 लोग थे उनमें से किसी का नाम पता है तुम्हें? नहीं, उन दोनों ने अपना नाम नहीं बताया, ना ही कभी आपस में एक दूसरे का नाम लिया। अमनदीप, मेरे पास ये गुरप्रीत, बलजीत और समर के फोन का पिन पॉइंट लोकेशन आ रहा है, एटलीस्ट मैं ये पता कर सकता हूँ कि मुंबई के बाहर उनको कहाँ ले जाया गया था। हाँ, समर ने एक जगह बताई है, गोभी सुपारी जैसा कुछ बोल रहा है। सुपारी? सोपारा होगा अमनदीप, नाला सोपारा। एयरपोर्ट से वो निकले होंगे तो वहां पहुंचने तक 2-2.5 घंटे लगे होंगे। शायद यही जगह होगी। गुलाम रसूल का क्या हुआ? उठवाया था उसको, पर वो सिर्फ टिकटिंग का काम करता है, उसका ऑफिस टाउन साइड में है, नागपाड़ा में, सालों से वही टिका है। पूछताछ में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट दिख नहीं रहा है, पर हमारी रडार में है वो। गोविंद, तुम अपनी एक टीम नाला सुपारा भेज सकते हो। हम यहाँ राहुल बस्सी के बारे में पता कर रहे हैं कि एक बड़ा रैकेट लग रहा है मुझे। गोविंद, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अमनदीप, केस में मेरी टीम से फुल कोऑपरेशन मिलेगी तुम्हें, डोंट वरी। हम इस गुरप्रीत को कैसे भी करके ढूंढ निकालेंगे। सर, ये तो कोई इंटरनेशनल रैकेट लग रहा है सर। क्या कुछ हाथ लगा क्या? सर, वो नंबर 5598 जिसे बलजीत ने फादर परमजीत से बात की, उसी नंबर से समर ने भी अपने फादर को कॉल किया था। 5598, ये कैसा नंबर है? इंटरनेट फोन कॉलिंग है सर, और आईपी एड्रेस मॉस्को, रशिया। मॉस्को, रशिया? सर, पूरी साइबर टीम लगाई जाए तो भी ट्रेस नहीं हो पाएगा। इंटरनेट कॉलिंग? हाँ सर, मॉस्को थ्रू रूट हुआ है, हैकर नेटवर्क है। तो ये कैसे क्रैक होगा? चलो, क्रैक तो नहीं हो पाएगा सर। सर, उन लोगों ने बलजीत और समर को छोड़ दिया लेकिन गुरप्रीत को नहीं, मामला कुछ और ही लग रहा है सर। इन दोनों को उन्होंने इतनी बुरी तरह से पीटा है तो क्या गुरप्रीत को अभी भी पकड़ के रखा होगा? सर, मेरे भाई के बारे में कुछ पता चला आपको? कुछ बताया बलजीत और समर ने?
संजय, हमारी पूरी टीम लगी हुई है गुरप्रीत की तलाश में। हम मुंबई क्राइम ब्रांच की भी हेल्प ले रहे हैं। समन ने मुंबई के पास एक जगह बताई थी, क्राइम ब्रांच वहां पर भी पता कर रही है। यहां से भी एक टीम वहां जाएगी। बस तुम इतना समझ लो कि एक ग्रुप बहुत ही बड़ा और शातिर है। तुम्हारा भाई अनजाने में फंस गया इन लोगों के बीच, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं गुरप्रीत को ढूंढ निकालने की, उसे वापस लाने की। संजय, पुलिस ने बताया कुछ? नहीं भाभी। चाचू, पापा लंदन गए ही नहीं। पापा को लंदन जाना ही नहीं चाहिए था। बस बेटा, नहीं रोते नहीं है। मुझे भी पापा की बहुत याद आ रही है। सच सच बता संजय, गुरप्रीत जी को कुछ हुआ तो नहीं है ना? कुछ नहीं पता भाभी। पुलिस कह रही है कि एक बहुत बड़ा रैकेट है और भैया फंस गए हैं इसमें। क्यों जाना था इन्हें विदेश? मैंने कितना मना किया था। भाभी भाभी, अब उम्मीद मत हारिए। पुलिस कह रही है वो जल्दी भैया को ढूंढ निकालेंगे। बलजीत और समर भी तो वापस आ गए हैं, भैया भी जल्दी वापस आ जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन टीम को अब भी इसका सही अंदाजा नहीं था कि ये रैकेट कितना बड़ा था। गुरप्रीत आहूजा के केस के पहले कभी किसी ने भी इस रैकेट और फ्रॉड के बारे में बात तक नहीं की। पीड़ितों की लिस्ट में ऐसे कई नाम शामिल थे जो फिरौती देकर अपने घरों को वापस लौट गए थे। ऑपरेशन तुरंत डिसमेंटल कर दो। एक चिड़िया पुलिस के पास पहुंची है, ऑपरेशन डेंजर जोन में है। तुरंत सेटअप निकालो, पोजीशंस खाली कर दो, फोन बंद कर दो। चिड़िया पुलिस के पास पहुंच चुकी है, तुरंत मतलब तुरंत। कोई भी कुछ भी हाथ नहीं लगना चाहिए। सारे इंटरनेट ऑफ कर दो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जला दो। अपनी अपनी पोजीशन से हट जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। इस रैकेट के कारनामों में गुरप्रीत आहूजा का केस पहला था जो पुलिस के सामने आया था, लेकिन गुरप्रीत खुद कहां था? यह केस अब एक अजीब मोड़ लेने वाला था। इंस्पेक्टर अमनदीप कोचर। हेलो इंस्पेक्टर, गुरप्रीत आहूजा का केस आप ही देख रहे हैं ना? यस, आप कौन? दिलीप प्रधान, एडवोकेट, अमृतसर से। कई वकील साहब, क्या जानते हैं आप इस केस के बारे में? यही कि मेरा क्लाइंट राहुल बस्सी नहीं जानता कि गुरप्रीत आहूजा कहाँ है। आपका क्लाइंट हमारी वांटेड लिस्ट में है वकील साहब, हर जगह अलर्ट जारी है उसके नाम का। वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ वीजा करवाता। आप भी जानते हैं। सब जानता हूँ, फेक वीजा, फेक पासपोर्ट। वकील साहब, आप मेरे से ज्यादा कानून जानते होंगे, समझाइए उसे। इंस्पेक्टर साहब, राहुल बस्सी सरेंडर कर देगा, लेकिन वो सच में नहीं जानता कि गुरप्रीत आहूजा कहाँ है। तो सरेंडर करने दीजिए वकील साहब उसको, आप क्यों बयान दे रहे हैं उसकी तरफ से? एक बार वो सरेंडर कर देगा तो हम खुद बयान ले लेंगे उसे। देख राहुल, भागना कोई सलूशन नहीं, इसलिए बेहतर है बता दे कि गुरप्रीत आहूजा कहाँ है। दिलीप जी, पिछले कई सालों से धंधा कर रहा हूँ। ये गुरप्रीत पहला आदमी है जिसका बेवकूफ भाई पुलिस के पास गया। गुरप्रीत लंदन में ही है, हमसे बच निकला है। अच्छा, अब तुम मुझे बेवकूफ बना रहे है? अरे दिलीप जी, मैं आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा? मैं तो खुद एक छोटा सा प्यादा हूँ। आखिर कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से हुक्म चलाता है, कुछ नहीं पता। इतना तो जानता है, यही बता दे पुलिस को, क्योंकि भाग के तो कहीं छुप नहीं सकता। ये राहुल भाई से कैसा लगा तुम्हें? भैया, अब तक जितने भी एजेंट से मिले हैं उनमें सबसे सही तो यही लग रहा है। पैसों के मामले में थोड़ा अड़ियल है, पर मेरे ख्याल से यही सही रहेगा। ये सब कुछ बाहर ही नहीं आता अगर गुरप्रीत का भाई संजय हमको पैसे दे देता। संजय लालची आदमी, इसी ने सारा खेल बिगाड़ा, गुरप्रीत के साथ मिलकर सारा प्लान बनाया। तो ये तो पुलिस को बता दे। इसने मुझे भी डुबो दिया। दो बच्चे, अपने पिता और उनकी मां, अपने पति की खबर और वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या गुरप्रीत आहूजा कभी अपने घर लौटेगा? क्या उसका परिवार ये कभी जान पाएगा कि कहां है गुरप्रीत, क्या हुआ है उसके साथ और किस हालत में है गुरप्रीत? क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरे देश में फैले इस गिरोह का पता लगाकर इसमें शामिल खिलाड़ियों को ढूंढ पाएगी? क्या इसके जरिए वो नकली पासपोर्ट, नकली वीजा, फर्जी नौकरी और फर्जी इमिग्रेशन गिरोह के मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? इस केस ने पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग टीम को भी झकझोर कर रख दिया था जब ये सामने आया कि ये रैकेट किस तरह से पूरे देश में फैला हुआ था और न जाने कितने ही लोग इसके झांसे में आकर फंस चुके थे। इस रैकेट की पूरी सच्चाई हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में।
जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।